दोस्तों जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों ग्रो टू सक्सेस चैनल हिंदू देव देवताओं का चैनल है। यदि आप भी हिंदू देव देवताओं पर मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। और इस चैनल के नीचे यहाँ जो आपका वीडियो चल रहा है, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों, और जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए, क्योंकि आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। दोस्तों हिंदू धर्म में जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है, उतना ही महत्व पेड़ पौधों को भी दिया जाता है। अगर आप शास्त्रों को उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे कई पौधे हैं जिनमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सहित कई देवी देवताओं का वास होता है। वहीं अगर आप वास्तु शास्त्र को देखेंगे तो कई पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है, और जो घर से नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर कर देते हैं। तो क्या आपको पता है कि ऐसा एक पौधा ऐसा भी है जो आपके लिए चलता फिरता बैंक साबित हो सकता है? चलती फिरती लक्ष्मी का पौधा है दोस्तों वो। अगर आपने बागेश्वर धाम वाले गुरुजी को का बताया हुआ यह टोटका उस पेड़ पर कर दिया और उस पेड़ की जड़ में एक चीज दबा दी, तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप 100% करोड़पति बन जाएंगे दोस्तों। तो आखिर कौन सा है वह पौधा, और ऐसी कौन सी खास वस्तु उस पौधे की जड़ में दबाने के लिए गुरुजी ने अपने भक्तों को कहा है, जो आपको मालामाल कर देगी? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका ग्रो टू सक्सेस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा और लक्ष्मी मैया की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आंवले का पेड़, शमी का पेड़ और केले के पेड़ सहित ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनमें सभी देवी देवताओं का विश्वास होता है। इनकी पूजा की जाती है और ये पौधे हमारे 9 ग्रहों से संबंध रखते हैं और हमारी कुंडली के दोषों को दूर भी करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो पौधे घर के लिए शुभ होते हैं, वह घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करते हैं। उन्हें लगाने का उद्देश्य घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराना और सुख समृद्धि का वास करवाना होता है। और यही पौधे हमारे घर में मौजूद वास्तु दोष को भी खत्म कर देते हैं। तो ऐसा ही एक खास पौधा है दोस्तों, मनी प्लांट। जी हाँ दोस्तों, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो आपको मालामाल बना देगा। इस पौधे के हिसाब से इस पौधे का जो उद्देश्य है वो आपको मालामाल बनाने का ही है, जो आपको भारत में लगभग हर एक घर में लगा हुआ दिख जाएगा। कहा जाता है कि अगर आप पैसे वाला होना चाहते हैं या फिर पैसे से जुड़ी हुई समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं और आप ज़्यादा कर्ज में डूब गए हैं, तो मनी प्लांट लगाना आपके लिए बेहद ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि यह पौधा धन को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन दोस्तों किसी भी उपाय का या फिर किसी भी टोटके का फायदा तभी होता है जब उसे पूरे तरीके से पूरे विधि विधान के साथ किया जाए। तो अगर आपको मनी प्लांट से जुड़े हुए सही नियम पता हैं, तो मनी प्लांट लगाने की सही दिशा पता है, तभी यह पौधा आपके लिए शुभ रहेगा, वरना आपको अशुभ परिणाम भी दे सकता है। गुरुजी ने मनी प्लांट से जुड़े हुए कुछ सही नियम बताए हैं जो आपके लिए भी जानना जरूरी है। दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट अगर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर दे और आपके घर के वास्तु दोष को खत्म करके आपको पूरा फल दे, तो इसके लिए मनी प्लांट को हमेशा घर में सही तरीके से लगाना चाहिए, वरना आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले मनी प्लांट को सही दिशा में लगाना जरूरी है। तो मनी प्लांट लगाने की जो सही दिशा होती है वह है पूर्व दक्षिण दिशा, अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। गुरुजी कहते हैं कि मनी प्लांट को हमेशा पूर्व दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दिशा में ही लगाना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा मनी प्लांट के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि घर में दक्षिण दिशा नकारात्मकता की दिशा होती है। तो अगर आप पौधे को इस दिशा में लगाते हैं तो आपको इसके अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को यह पौधा बहुत ज़्यादा कैच करता है और आपके परिवार में
कोई भी बुरी घटना हो सकती है। इसी के साथ कोशिश करें कि घर में, अपने घर में मनी प्लांट को घर के मुख्य दरवाजे के पास रखें। आप चाहें तो मनी प्लांट को अपनी छत पर भी रख सकते हैं, लेकिन सही दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके घर में मनी प्लांट लगा हुआ है तो मनी प्लांट को कभी भी सूखने न दें। अगर आपका मनी प्लांट घर में सूख जाता है तो उसे तुरंत हटाकर बाहर कर दें, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा आपके लिए तभी तक शुभ होता है जब तक वह हरा भरा रहता है। सूखे हुए मनी प्लांट को अपने घर में रखने से आपकी तरक्की में समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और आपको पैसे और धन से जुड़ी हुई समस्याएं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही गुरुजी ये भी कहते हैं कि मनी प्लांट की बेल को हमेशा ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ ही रखें और हमेशा मनी प्लांट से एक धागा या रिबन बांध दें, क्योंकि दोस्तों यह एक बेल होती है, तो आप इसे जितना ऊंचा बांधेंगे यह उतना ही ऊपर जाएगा और मनी प्लांट का ऊपर की तरफ बढ़ना आपके कार्य, व्यापार और पैसे में तरक्की को बढ़ाता है। यह आपके पैसे को भी बढ़ाता है। साथ ही वास्तु कहता है कि अगर आपका मनी प्लांट जमीन पर फैलता है तो आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और आपकी तरक्की में बार बार रुकावटें पैदा होती है। जितना ज़्यादा मनी प्लांट आपकी ज़मीन पर चलेगा उतना ही ज़्यादा आपकी आय में और पैसे में रुकावटें उत्पन्न हो जाएगी। 17 तरह की रुकावटें आपके पैसे से जुड़ी समस्याएं और परेशानियां उनका सामना आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। इसी के साथ मनी प्लांट के पौधे को हमेशा कांच की बोतल या फिर मिट्टी के गमले में ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम देखने को मिल देंगे। जो लोग मनी प्लांट को टूटे फूटे प्लास्टिक के बर्तनों में लगा देते हैं या फिर ज़मीन में लगाते हैं तो उनके घर में वास्तु दोष हमेशा बने ही रहते हैं और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे घरों में राहु केतु और शनि की दिशा लगातार चलती रहती है और घर के लोगों के स्वास्थ्य में ना कोई परेशानी देखने को मिलती है, यानी कोई ना कोई परेशानी आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी जरूर देखने को आपको मिलेगी। साथ ही व्यापार में भी लोगों का मन नहीं लगेगा और तिजोरी का धन लगातार खाली होता रहेगा। तो वास्तुशास्त्र कहता है कि वैसे भी घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। अगर आपके घर में टूटे फूटे बर्तन हैं तो उनमें गलती से भी पौधे लगाने की तो बिल्कुल भी ना सोचें, वरना ना तो ये आपके लिए अच्छा होगा, ना आपके घर के लिए अच्छा होगा और ना ही आपके व्यापार और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि मनी प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसकी लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ती है घर में उतनी ही ज़्यादा धन और दौलत और तरक्की बढ़ती रहती है। इसलिए लोगों के बीच में यह अफवाह चलती आ रही है कि अगर हम मनी प्लांट को चोरी करके लाएंगे, अर्थात चोरी करके अपने घर में लगाना, तो यह हमें शुभ फल देगा, तो यह सरासर गलत है। आप खुद सोचिए, कभी भी चोरी की भी चीज़ आपके लिए शुभ साबित हो सकती है क्या? फिर चाहे वह कोई पौधा ही क्यों ना हो, तो हमेशा आप मनी प्लांट किसी के घर से मांग कर लाएं, या तो आप इसे मांग कर लाएं, लेकिन ऐसा मनी प्लांट आपके लिए ज़्यादा शुभ फल देगा जो आपने किसी ऐसे घर से मांग कर लगाया है जिसके घर में धन संपदा की कोई भी कमी नहीं है और जिसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। अगर आप ऐसे किसी घर से मनी प्लांट मांग करके लगाते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा, बेहद ही शुभ होता है और माता लक्ष्मी आपके घर पर उसी तरह से कृपा करेंगे। साथ ही मनी प्लांट लगाते समय इस बात का ख्याल रखें कि मनी प्लांट की बेल आपस में कभी भी ना उलझे, क्योंकि अगर आपका मनी प्लांट आपस में उलझता रहेगा तो आपके घर के सदस्यों के बीच भी उलझाववाद और लड़ाई झगड़े लगातार चलते ही रहेंगे। इसी के साथ गुरुजी ने मनी प्लांट से जुड़ा हुआ एक ऐसा अचूक उपाय भी बताया है जिसे करने से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और आपके लिए सौभाग्य का दरवाज़ा खोल सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप मनी प्लांट कभी भी मनी प्लांट लगाते हैं तो ध्यान रहे मनी प्लांट को आपको शुक्रवार के दिन ही लगाना चाहिए। साथ ही शुक्रवार वाले दिन आपको मनी प्लांट के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है।
आप चाहें तो मनी प्लांट में डाले जाने वाले पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होगा। उसके बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उनके सामने घी का दीपक जलाना है। इसके बाद एक मौली लेकर उसे माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करना है। धूप दीप और नैवेद्य से उस मौली को सिद्ध करना है और इस धागे पर माता लक्ष्मी के चरणों में लगाकर कुमकुम लगाना है। फिर इस धागे को मनी प्लांट की जड़ में बांध देना है। इसके बाद आपको कच्चा दूध और जल मनी प्लांट में अर्पित करना है और माता लक्ष्मी से अपने घर की तरक्की के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसा लगातार 4 शुक्रवार तक करते हैं तो आपकी इससे बेहद ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और खुद माता लक्ष्मी आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देंगे। तो दोस्तों, यह था मनी प्लांट का वह उपाय जो गुरुजी ने अपने भक्तों को तरक्की के लिए बताया था। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी द्वारा बताई हुई बातें आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा और जय हनुमान, जय सीताराम भी जरूर लिखिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।